हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 रियल लेजेंड्स और ई-स्पोर्ट्स लेजेंड्स ऑफ फ्री फायर, जिन्होंने अपने आप को ना केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रूव किया है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और कॉमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आपको पता होगा कि हालिया समय में फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत सारे प्लेयर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं। बट हमारे बीच कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में अपना नाम बना चुके हैं, जिनको हम लेजेंड्स भी कह सकते हैं। तो आज हम इन्ही लेजेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 5 पे आते हैं दो लेजेंड्स जिनका नाम है ओजी जॉन्टी और फोर अननोन डेड सॉल। ये दोनों प्लेयर्स ही कमाल के आईजीएल रह चुके हैं। अब मैं रह चुके हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी दिनों से ये ई-स्पोर्ट्स में इनएक्टिव है। बात करें जॉन्टी भाई की तो इनका असली नाम अजय कुमार बांगा है और फिलहाल ये टीम ओरैंगुटैन एलीट के मेंबर है। इनकी ई-स्पोर्ट्स जर्नी की शुरुआत देसी गेमर्स यानी कि हमारे अमित भाई के साथ हुई थी और ये अमित भाई ही थे जिन्होंने जॉन्टी भाई को ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनने को कहा था। अब ई-स्पोर्ट्स अकेले तो खेल नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने एक टीम बनाई और फिर यही से इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम टीम एलीट का निर्माण हुआ, जिसके हमारे जॉन्टी भाई कैप्टन या आईजीएल भी रहे। अब देखो यार, तुम लोग बोलते हो कि हमको टीम नहीं मिल रही, हमारी टीम टूट गई है, ये वो। तो गाइज, हमारे जॉन्टी भाई को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। प्लेयर्स ढूंढे, अलग अलग प्लेयर्स ट्राई किए और फाइनली इन्होंने एक टीम बनाई और उस टीम ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते। अब बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो दोस्तों, अचीवमेंट्स तो बहुत सारी है, कुछ के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि इन्होंने फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप 2021 फॉल जीता, फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप में ये 8वें स्थान पे आए, फ्री फायर ट्राई सीरीज में ये 2रे स्थान पे आए। इन्होंने एक टीम को ट्रेन भी किया है जिसका नाम है टीम अचीवर्स। बात करें फोर अननोन डेड सॉल की तो इनका असली नाम मोहम्मद जुबेर त्यागी है और ये अभी फोर अननोन के मेंबर है। इनकी भी सक्सेस स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, अपने आप को सही साबित करने की जिद ने इन्हें इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट आईजीएल बना दिया। हुआ ये था कि इन पे हैक यूज करने का आरोप लगा था, ये बात है तब की जब ये अज्जू भाई के साथ खेला करते थे। और आपको पता होगा कि जब आप इतने बड़े यूट्यूबर के लाइव पे खेलते हो तो आपको कितने ज्यादा लोग देखते हैं। तो इनके ही एक टीममेट एडी जो अभी स्वस्तिक के नाम से खेलते हैं, उनकी आईडी हो गई थी बैन, जबकि उन्होंने कोई हैक यूज नहीं किया था। फिर क्या था, स्वस्तिक को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। अब इन्होंने सोचा कि हम अगर बोलेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए इन्होंने टूर्नामेंट्स खेलने का डिसाइड किया और फिर इन्होंने नाम बदल के खेलना स्टार्ट किया और अपनी टीम का नाम अननोन रखा, जिसका मतलब होता है अनजान। और यही से शुरू हुई इनकी ई-स्पोर्ट्स जर्नी। आगे चल के इन्होंने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीते, कुछ के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि फ्री फायर टाइटन इन्विटेशनल, कॉन्क्वेस्ट फ्री फायर ओपन सीजन 1 एटसेट्रा। बढ़ते हैं अगले लेजेंड्स की तरफ। तो नंबर 4 पे भी आते हैं दो लेजेंड्स जिनका नाम है टीजी माफिया बाला और ओजी पहाड़ी। बात करें माफिया बाला की तो इनका असली नाम वोरा हित कुमार नीलेश है और ये टीम द माफियास के मेंबर है। गुजरात से आने वाला ये ऑलराउंडर मुंह से ज्यादा गेम से जवाब देने पे विश्वास रखता है। फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक क्लच भी हमारे बाला भाई के नाम ही है, जिन्होंने सिंगल M82B से पूरी फोर अननोन को मार दिया था। इनका नाम 2019 में आई फिल्म हाउसफुल 4 के एक करेक्टर बाला के नाम पे पड़ा था। बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो इनके अचीवमेंट्स इतने हैं कि पिकाचू ऑडियंस के जितने इंस्पिरेशन है, जैसे कि रूक FF और वाइट 444, इनको 4 जन्म लग जाएंगे इतने अचीवमेंट्स कलेक्ट करने में और फिर भी इतने अचीवमेंट्स न हो पाएंगे। इनमें से कुछ के नाम बता देता हूँ, जैसे फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप 2020 फॉल, फ्री फायर प्रो लीग इंडिया 2021 समर एटसेट्रा। बात करें पहाड़ी की तो इनका असली नाम लोकेश कराकोटी है और ये टीम ओजी एलीट के मेंबर है। स्नाइपर गॉड के नाम से मशहूर इस प्लेयर की भी जर्नी बहुत मुश्किल थी। आप लोग कहते हो मेरे पास टीम नहीं है, डायमंड नहीं है, पहाड़ी भाई के पास गेम खेलने को फोन नहीं था। अपनी मेहनत से इन्होंने फोन खरीदा और खूब ग्राइंड किया, जिसकी बदौलत इतना ज्यादा नाम कमाया। घर का खर्चा, बहनों की शादी इन्होंने अपने दम पे करवाए। और रही बात गेम की तो डबल स्नाइपर्स ये तब से चला रहे हैं जब बंदों को ठीक से सिंगल स्नाइपर नहीं चलाने आती थी। बात करें अचीवमेंट्स की तो इन्हें स्नाइपर ऑफ द ईयर 2020 से नवाजा जा चुका है और ये काफी टूर्नामेंट में MVP भी रह चुके हैं, जैसे कि फ्री फायर ट्राई सीरीज, फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप 2020 फॉल, कॉन्क्वेस्ट फ्री फायर ओपन सीजन 1 एटसेट्रा।
रुक करते हैं अगले लेजेंड की ओर। तो नंबर 3 पे आते हैं राधे ठाकुर। इनका असली नाम प्रकाश वाघेला है और ये चेयरमैन एस्पोर्ट्स के मेंबर है। राधे ठाकुर उस टीम का हिस्सा रह चुके जिसने इंडिया को वर्ल्ड सीरीज में रिप्रेजेंट किया। राधे ठाकुर जितने अच्छे IGL है उतने ही अच्छे नेडर है और हमेशा अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हैं। बात करें इनकी अचीवमेंट्स की तो ये कई बार MVP की ट्रॉफी जीत चुके हैं। कुछ टूर्नामेंट्स जिनमें ये MVP बने थे वो है फ्री फायर विंटर इन्विटेशनल, फ्री फायर प्रो लीग विंटर और बाकी अपनी टीम के साथ इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं। कुछ बड़े टूर्नामेंट्स जो इन्होंने जीते हैं वो है फ्री फायर इंडिया टुडे लीग, फ्री फायर प्रो लीग विंटर, फ्री फायर विंटर इन्विटेशनल एटसेट्रा। बढ़ते हैं अगले लेजेंड की ओर। तो नंबर 2 पे आते हैं TM फौजी जे। इनका असली नाम अजय शर्मा है और करंटली ये टीम द मैफियस के मेंबर है। कैप्टन कूल और हैवी ड्राइवर के नाम से मशहूर इस प्लेयर की काबिलियत पे कोई शक नहीं कर सकता। इन्होंने मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में अपनी टीम को न केवल बचाया है बल्कि कई बड़े टूर्नामेंट्स जितवाए हैं। गरीना की तरफ से इन्हें 2 बार बेस्ट IGL ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो अचीवमेंट्स तो इतने हैं कि 1-2 अलमारी तो इनके ट्रॉफी से पूरी भरी है। कुछ मेजर टूर्नामेंट्स जो इन्होंने जीते हैं वो है फ्री फायर प्रो लीग समर, फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप 2020 फॉल, वर्ल्ड एस्पोर्ट्स कप एटसेट्रा। बढ़ते हैं आज के आखिरी लेजेंड की ओर। तो नंबर 1 पे आते हैं वासियो CRJ7। इनका असली नाम वत्सल गरासिया है। फिलहाल ये किसी टीम में नहीं खेलते जब भी फ्री फायर ईस्पोर्ट्स की बात हो, और वासियो भाई का नाम न लिया जाए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया के सबसे पुराने प्लेयर्स में से एक हमारे वासियो भाई ने कई टीम से खेला है, फिर चाहे वो TSG हो, टोटल गेमिंग हो या फिर NGX। 2020 में इन्हें फ्रैगर ऑफ द ईयर और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी से नवाजा गया। इनकी टीम ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते। कुछ बड़े टूर्नामेंट्स जो इनकी टीम ने जीते वो है FFIC 2020 फॉल, FFIC 2021 स्प्रिंग एटसेट्रा। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होने को आई है। जाने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। पहले तो ये कि ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो मैंने देखा है अभी तक उसी के हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाई। आपकी लिस्ट अलग हो सकती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आपकी लिस्ट में जितने लेजेंड्स हैं उनका नाम लिखना बिल्कुल न भूले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए पीस आउट।